फुलची पंचायत के तरावली गांव में आदिवासी समाज के द्वारा शुक्रवार को एक रैली निकालकर बूढ़ा बूढ़ी थान व जाहिर थान में पूजा अर्चना किया गया। इस दौरान ईडी द्वारा गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई की प्रार्थना की गई। मौके पर समाज के लोगों ने मन्नत मांगा कि हेमंत सोरेन की कोर्ट से जल्द ही रिहाई हो जाए। मौके पर समाज के लोगों ने कहा कि जेल का ताला छूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। कार्यक्रम में उप मुखिया रसीलाल हेमरम, समाज सेवी बुधन मुर्मू, नायक हेमरम, देना हेमरम, महादेव हेमरम, गणेश हेमरम, सोना लाल चुडू, बबलू चुडू, सबोधी देवी, सोनम हेमरम आदि लोग मौजूद थे। और हम लोग ने यहाँ कार्यक्रम रखा है जो कि हम लोग का मुख्यमंत्री जो था हेमंत सोरेन, उसको मैं ईडी सीबीआई द्वारा मैं जेल भेजा गया है, तो उसी को छुड़ाने के लिए हम लोग यहाँ जैसे कि जल ढर रहे हैं अपना मंजितान जहर थान में। तो जैसे कि पहले भी ऐसा हो चुका है, हम लोग जैसे नहीं थे उस समय, मैंने शिबू सोरेन का मैंने सूट एंड साइड का ऑर्डर आया था, तो उन समय भी हमारे पूर्वज ने मैंने वैसे ही मैंने मंजितान जहर थान में जल डल कर जैसे सूट एंड साइड ऑर्डर कैंसिल हुआ था, तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने भी ऐसा कार्यक्रम रखा है।